नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। सागर संभाग से पूरे बुंदेलखंड सहित देश विदेश की ताजा तरीन खबरें और उनके पीछे का सच पूरी सटीकता एवं निडरता के साथ देखने के लिए इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं ब्रेकिंग न्यूज। दमोह जिले में कोरोना ने फिर दस्तक दी है और दस्तक इतनी खतरनाक हो सकती है जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। दरअसल पश्चिम बंगाल से दमोह पहुंचा कोरोना पॉजिटिव, एक के बाद तीन और पॉजिटिव आज मिले हैं। ONGC कैंप के 35 कर्मचारियों का टेस्ट कराया गया था, उसमें 20 की रिपोर्ट आना अभी भी बाकी बताया जा रहा है। करीब 3 महीने बाद दमोह में एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दे दी है और इस पूरे मामले से अभी कहा जाने लगा है कि दमोह में इस बार पश्चिम बंगाल से कोरोना वायरस आ गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि हटा के समीप संचालित ONGC कैंप में काम करने वाले पश्चिम बंगाल के कर्मचारी को एक सप्ताह पहले COVID-19 पॉजिटिव बताया गया था। यह कर्मचारी दीपावली मनाने अपने गांव गया था। वापस आने के बाद इसे कोरोना के लक्षण दिखाई दिए, जिसके बाद इसकी जाँच की गई तो वह पॉजिटिव निकला था। एहतियात के तौर पर कैंप के 35 कर्मचारी अधिकारियों की कोरोना टेस्टिंग की गई है, जिसमें से अभी तक 15 कर्मचारियों की जांच रिपोर्ट आ चुकी है। उनमें से एक की रिपोर्ट पहले आ चुकी थी और शुक्रवार को 3 और कर्मचारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। सभी 20 कर्मचारियों की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। वहीं CMHO डॉक्टर संगीता त्रिवेदी ने बताया है कि ONGC कैंप के एक कर्मचारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसके बाद से कैंप के करीब 35 कर्मचारियों की जांच की गई थी। फिलहाल 4 कर्मचारी और पॉजिटिव निकले हैं, सभी को इलाज दिया जा रहा है। कुछ दिन पहले पॉजिटिव आए कर्मचारी का इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है। अब जो नए 3 केस पॉजिटिव आए हैं उन्हें भी हटा से जिला अस्पताल बुलाया जा रहा है ताकि उनका यहाँ पर इलाज किया जा सके। उन्होंने बताया कि ऐसी भी संभावना है कि कुछ और कर्मचारी भी पॉजिटिव निकल सकते, लेकिन अब जो है दमोह के लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। हम सागर टाइम्स न्यूज की तरफ से आप सबसे यही अपील करेंगे कि लापरवाही बिल्कुल ना बरतें और अगर मास्क लगाना आपने छोड़ दिया तो मास्क बराबर लगाए रखें, सैनिटाइज करते रहें और फिर से वही सावधानियां अपनाएं जो आप पिछले साल अपना रहे थे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सागर टाइम्स न्यूज।